धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण पदयात्रा निकालकर गिनाई मोदी सरकार की कमियां। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ शनिवार को सैंपऊ में कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा की शुरुआत धौलपुर भरतपुर जिले के केंद्रीय बॉर्डर से हुई, जिसमें करीब 2000 लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जो 5 किलोमीटर की पदयात्रा कर सैंपऊ कस्बे के बीआर गार्डन पहुंचे, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पदयात्रा की गई है। वहीं वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा भी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लाकर किसानों की जमीन को हड़पना चाहती थी। इसे लेकर लगातार 1 वर्ष तक किसानों ने आंदोलन कर केंद्र सरकार को झुका दिया है, जो आमजन और किसान की जीत है। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मौजूद पूर्व धौलपुर विधायक अब्दुल सगीर खान, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष दुर्गादास शास्त्री, बसेड़ी प्रधान अमित परमार, बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा, उप प्रधान दुष्यंत सिंह, सेवा दल की जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, जयप्रकाश शर्मा, केसर सहित डॉक्टर शालिनी शर्मा द्वारा विचार व्यक्त किए गए। वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा अतिथियों का साफा व माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, पूर्व सरपंच महेश शर्मा, प्रवक्ता सुभाष शर्मा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि महेंद्र सिंह परमार, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरी सिंह परमार, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन बाबू तिवारी, जय सिंह परमार, अकबर खान, सतीश जगरिया, राय सिंह परमार, सतीश परमार, रामप्रकाश शर्मा, सुनील परमार, कलुआ सिसोदिया, अजय शर्मा, शेरू परमार ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा किया गया। वहीं पदयात्रा का रास्ते में जगह जगह साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मंत्रिमंडल के विस्तार में धौलपुर जिले से कोई भी मंत्री नहीं बनाने पर नाराजगी जताई और कहा कि वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। कार्यकर्ताओं की मांग पर प्रवक्ता ने कहा कि आपकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। क्यों महंगाई चरम सीमा पे है, उसके खिलाफ है। आपको मालूम है कि कांग्रेस के शासन में डीजल 63 रुपए लीटर था और पेट्रोल 70 रुपए लीटर था और गैस का सिलेंडर 350 रुपए का 360 का हो गया था। सरसों का तेल आपका 80 रुपए 100 रुपए लीटर में आप लोगों को मिल गया था और अब आपकी गाय से लिए 100 बार गए हो। सरसों के तेल ने रिकॉर्ड जोड़े वो तो दूसरे को पहुंची हो और आपके पेट्रोलियन पूछे कहते कि मोटरसाइकिल अगर कोई छुड़वा दो तो कोई मोटरसाइकिल से छुड़वाने के लिए तैयार नहीं होता। ये कहते हैं ना 5 किलो 10 किलोमीटर छोड़ में जाऊँ मैं तो जेब के 100 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो जो स्थिति आपकी अब आप ये बताओ कि आपके कार्य वो सरकार थी या ये सरकार अच्छी थी। राहुल गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश के अंदर जन जागरण अभियान चल रहे मोदी सरकार की लूट और झूठ के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है और देश बेचने के खिलाफ है और उसके साथ साथ जो इस देश के किसानों के साथ मोदी सरकार का जो रवैया था, जब किसान अपनी जमीन किसानी और बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके साथ जितना ज़्यादा दमन और उत्पीड़न किया है उसके खिलाफ लोगों के बीच में जाकर लोगों को जन जागरण करना और ये जो महंगाई है जिस महंगाई में सीधे सीधे मोदी सरकार के जो चहेते लोग हैं उनके द्वारा लूट हो रही है। तो ये लूट और झूठ की मोदी सरकार की भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों के
जन जन तक ये पहुंच गए और सारे देश के लोगों को इस लूट और छूट, महंगाई, बेरोजगारी, देश को बेचने के लिए और किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये जन जागरण अभियान हो रहा है। और श्री हमारे जो माननीय विधायक हैं गिरिराज मलिंगा जी और सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन सब लोगों के, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो सब मिलके गांव-गांव ये अभियान चला रहे हैं। ग्राम पंचायत केतरी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय मोहन प्रकाश जी, माननीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी का आज जो यात्रा निकाल रहे हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से हमने स्वागत किया और उन्होंने जो केंद्र की नीति है उनके बारे में बताया और हमने माननीय मोहन प्रकाश जी और माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी और अब्दुल सगीर दुर्गाधर शास्त्री सभी ग्राम केंद्र से यात्रा शुरू की, उनका ग्राम पंचायत की तरफ से सभी लोगों का स्वागत किया। मैं शालिनी शर्मा, वाइफ ऑफ डॉक्टर नीरज शर्मा जी ने आज दिनांक 27 नवंबर को हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी, पूर्व विधायक अब्दुल सगीर जी खान और माननीय विधायक मलिंगा जी और दुर्गाधर शास्त्री जी की उपस्थिति में आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं इन सबका तहे दिल से आभार करती हूँ। कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे इंडिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी रीति नीतियों से प्रभावित होकर मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं इस पार्टी के साथ इसकी जो भी रीति नीति है उनको अपने ऊपर लागू करते हुए सक्रिय रूप से इसके साथ कार्यरत रहूंगी। धन्यवाद। मंदिर में रिश्वत की राशि लेते थानेदार को एसीबी ने पकड़ा। धौलपुर जिले के वाड़ी कस्बे में कोतवाली थाने के इंचार्ज एएसआई भगवान सिंह को करौली एसीबी की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। एएसआई भगवान सिंह ने धारा 376 के मामले में जांच अधिकारी रहते हुए फरियादी और उनके परिवारी जनों के नाम हटाए जाने के एवज में रिश्वत की राशि ली थी, जिसे एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसे कानूनी कार्रवाई करने के मामले में सघन पूछताछ के लिए एसीबी टीम करौली ले गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार को आरोपी थानेदार भगवान सिंह को एसीबी कोर्ट भरतपुर में पेश किया जाएगा। वहीं कार्रवाई एसीबी की टीम इंचार्ज सीओ अमर सिंह मीणा के नेतृत्व में की गई है। एसीबी टीम के इंचार्ज सीओ अमर सिंह मीणा ने बताया कि बाड़ी कस्बे के कास्तपाड़ा मोहल्ला निवासी परिवादी ज्ञा प्रसाद कुशवा ने 24 नवंबर को एसीबी कार्यालय करौली में उपस्थित होकर एक शिकायत की थी कि उसके और उसके परिवारी जनों के विरुद्ध बाड़ी थाने में मुकदमा नंबर 272/31 दर्ज है, जिसकी जांच थाना अधिकारी एवं एसआई भगवान सिंह कर रही है। इस मामले में कुछ लोगों के नाम निकलवाने की एवज में उसने 55,000 रुपये मांगे गए थे, जिसमें से 5,000 रुपये लिए जा चुके हैं। अब बाकी 50,000 रुपये और मांगे जा रहे हैं, जिस पर टीम ने 25 नवंबर को इस मामले की जांच कराई तो मामला सही पाया गया। इस पर 27 नवंबर शनिवार को 50,000 रुपए की रकम देना तय हुआ। एसआई भगवान सिंह ने इस राशि के लिए थाने के ठीक सामने स्थित कमलेश्वर मंदिर पर आने की बात कही। जब परिवादी ज्ञा प्रसाद कुशवा राशि को लेकर मंदिर पर पहुंचा तो जांच अधिकारी भगवान सिंह ने 50,000 रुपए की रिश्वत राशि अपनी पेंट की जेब में रख ली। इसके बाद परिवादी के इशारे पर पास में छिपी एसीबी की टीम ने जब एसआई को ट्रैप करने का प्रयास किया तो उसने रिश्वत की राशि मंदिर के फर्श पर पटक दी, जिससे स्वतंत्र गवाह द्वारा उठाया गया। उक्त घटना में आरोपी भगवान सिंह की पैंट की जेब और हाथ रंगे पाए गए। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। थानेदार भगवान सिंह के भूतपुरा नदवई भरतपुर स्थित आवास पर भी टीम कार्रवाई करने गई है। आरोपी को करौली स्थित एसीबी कार्यालय ले जाया गया है। इस कार्रवाई में ब्रजेश कुमार रीडर, कांस्टेबल श्याम सिंह, कपिल सिंह, राकेश सिंह, उपेंद्र सिंह, गाड़ी चालक ब्रजेश कुमार एवं स्वतंत्र गवाह पंकज शर्मा और कनिष्ठ सहायक राजेश सैनी का विशेष सहयोग रहा है। परिवादी बचाना चाहता था अपनी पार्षद पुत्रवधू को, ऐसे में रिश्वत भी देना किया कबूल। एसीबी इस ट्रैप कार्रवाई में जिस परिवादी ने एसीबी कार्यालय में जाकर शिकायत की है वह नगरपालिका पार्षद रहा है। वर्तमान में भी उसके बेटे की बहू पार्षद है। परिवादी की मोहल्ले के पड़ोसी परिवार से किसी मामले को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें परिवादी ज्ञा प्रसाद कुशवाहा उसके दो बेटे और बहुओं के साथ करीब 6 लोगों के खिलाफ नामदर्ज धारा 376 का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच एसआई भगवान सिंह को सौंपी गई थी, जिसमें जांच अधिकारी परिवादी के एक बेटे बबलू पुत्र ज्ञा प्रसाद को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है। अब दूसरे बेटे रविकांत और उसकी बहू बेबी जो वर्तमान में पार्षद है, दोनों सहित ज्ञा प्रसाद के खुद के केस से नाम निकलवाने की बात चल रही थी।
इस दौरान जांच अधिकारी को थाने का अतिरिक्त चार्ज भी मिल गया, जिसके बाद उसने परवादी से 55,000 रुपए की मांग की थी। मैंने कोई कहा भाई आप जांच अधिकारी हो, जांच करो पहले आखिर रट्टा कहाँ हुआ है। महिला बताइए अपने घर पर मोहल्ला पड़ोस में तो पूछ लो कोई पड़ोस में, और हमें चलो हमारी समझ चलो और अदर कास्ट बोली भी उसमें और हुए थे ब्राह्मण भी पूछ तो लो कहाँ पर जाओ है। मैं कुछ नहीं इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मुंज मत बनाओ महिला निकाल दो कोई भी नहीं निकलेगा सब सब चला ना हो तो मेरी महिला तो निकाल दो निकाल दूँगा मतलब क्यों निकाल रहे हैं 50,000 ले आऊंगा ठीक है सब दिन। कोचिंग के बाहर से शिक्षक की बाइक चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। धौलपुर शहर के न्यालकंद थाना इलाके में छठी बटालियन आरएसी के पास स्थित सेंट्रल बैंक के बगल से संचालित एक निजी कोचिंग से अज्ञात चोर शिक्षक की बाइक को चोरी कर ले गया है। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक रामदास लोधा निवासी सलीमपुर ग्राम पंचायत जाटौली धौलपुर सेंट्रल बैंक के बगल से स्थित निजी कोचिंग में पढ़ाता है, जो रोजाना की तरह शनिवार को पढ़ाने आया था, जहां कोचिंग के बाहर बाइक खड़ी कर अंदर चला गया। इस दौरान अज्ञात युवक बाइक को चोरी कर ले गया। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें युवक बाइक को चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। चोरी करने से पहले युवक बाइक पर बैठ गया और इधर उधर उसने रेकी की है, उसके बाद बाइक को चोरी कर ले गया है। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी, हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट के सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमोंट, रेडिसन, रमाडा ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारी अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर, आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लाबा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, PNB बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। झोर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 15 के झोर गांव के निवासी महिला पुरुष बड़ी संख्या में शनिवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर पहुंचे, लेकिन जिला कलेक्टर के फील्ड में होने पर उन्होंने तहसीलदार भगवत सर त्यागी को ज्ञापन दिया, जिसमें आवासीय भूमि के पट्टे जारी करवाने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि हम सभी ग्रामीण देश की आज़ादी से पूर्व व पूर्वजों के समय से ही झोर गांव में रह रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक पट्टे नहीं दिए गए हैं। इसे लेकर कई बार नगर परिषद से भी मांग की गई है, लेकिन उसने भी अभी तक पट्टे नहीं दिए हैं, जबकि गांव में 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद धौलपुर की ओर से हमारे गाँव में बिजली, सड़क, पानी आदि की कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिससे ग्रामीण परेशान है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आवासीय भूमि के पट्टे जारी करवाने की मांग की है। श्यामवीर सिंह पार्षद, वार्ड नंबर 15। ये हमारा झोर जो गांव है वो करीब 200-250 साल वर्षों से वहां रह रहे हैं, तो प्रशासन ये बोलता है कि यार ये प्राकृतिक विभाग की जमीन है, इनको पट्टे के जरिए से यहाँ से आए थे कलेक्टर साहब से मिलने। या साहब हमारे लिए या तो कोई पट्टे जारी किए जाएं, या हमारा कोई निस्तारण हो जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बने, उसके लिए धरना प्रदर्शन, पूरा गांव इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। क्या जवाब दिया है आप? अब ये बोल रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं जो इनकी छटनी की जाए, पुराने लोग जो रह रहे हैं वैसे लोग हैं उनके लिए 69 जो फॉर्म आता है उसको भर के बाकी हिसाब से 69 नंबर
और बाकी हिसाब से पट्टे जारी करेंगे, आप बात कर लें और भी बात करेंगे चेयरमैन साहब से या कमिश्नर साहब से। आमजन राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं बोहरा, नव निर्मित कच्चा कच्चों का लोकार्पण समारोह आयोजित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलपुर में शनिवार को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत नव निर्मित कच्चा कच्चों का लोकार्पण समारोह क्षेत्रीय विधायक रोहित बोरा के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक रोहित बोरा ने कहा कि आमजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, राज्य में आमजन की सुविधाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, पेयजल आदि कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने विधायक निधि से 5 लाख रुपए से विद्यालय चार दीवारी का निर्माण कार्य, अन्य योजनाओं से 4 कच्चा कच्चों के निर्माण एवं मिट्टी के भराव कार्य की स्वीकृति प्रदान की। विधायक बोरा ने समारोह में समग्र शिक्षा अभियान के निर्मित 2 कच्चा कच्चों एवं भामाशाह किरोड़ी लाल मथुरिया द्वारा निर्मित कच्चा कच्चों का लोकार्पण किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि सुरेश चंद कुशवा, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, जिला परिषद सदस्य भागीरथ कुशवा, दिनेश कुमार प्रेमवती, बीलपुर सरपंच बॉबी कुमारी, भामाशाह किरोड़ी लाल मथुरिया नत्थो देवी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग, प्रधानाचार्य मातादीन शर्मा, कैलाश चंद, लक्ष्मण सिंह, जगदीश प्रसाद, रामेश्वर दयाल, धर्म सिंह, मोहर सिंह, नानक राम, प्रतिभा दीक्षित, मधु पचौरी, हेमलता पाल ने अतिथियों का माला व साफा एवं शॉल उड़ाकर सम्मान किया। समारोह का संचालन जगमोहन राजपूत ने किया। प्रधानाचार्य मातादीन शर्मा ने विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में अभिलाषा राजपूत, माखन सिंह, श्याम सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव, अभियंता नरेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। रायखेड़ा में महिला की संदिग्ध मौत, पियर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। रायखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। महिला के पियर पक्ष ने घटना में हत्या का आरोप लगाते हुए रायखेड़ा थाने में तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया है कि आरती की शादी करीब 4.5 साल पहले 16 अप्रैल 2017 में दाऊदयाल पुत्र गोपाल सिंह ठाकुर निवासी जवाहरपुरा थाना रायखेड़ा के साथ हुई थी, जिसमें हिंदू रीति रिवाज व विधि विधान से संपन्न हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ससुराली जनों का व्यवहार आरती के प्रति ठीक नहीं था और उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। दहेज में 4 पहिया की बड़ी गाड़ी की मांग करते थे, जिसको लेकर आरती को यातनाएं देते थे। गुरुवार को भी आरती के साथ बुरा व्यवहार करते हुए मारपीट की गई। पियर पक्ष ने तहरीर में हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि 26 नवंबर शुक्रवार को ससुराली जनों ने एक राय होकर दिन में लगभग 12 बजे उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद घटना की सूचना रायखेड़ा थाना पुलिस को दी और पुलिस ने गांव में जाकर सबको अपने कब्जे में लेकर रायखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका शनिवार सुबह रायखेड़ा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। वहीं पियर पक्ष ने रायखेड़ा थाने में ससुराली जनों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना घटी? हमारी सिस्टर ने, हमने शादी की थी ग्राम दाऊदयाल के लिए, साहब आए दिन और लड़की का उत्पीड़न मारपीट और हर तरीके से हमने उसकी समस्या सॉल्व की, हर तरीके से उसको हमने सहयोग किया। बाकी उसके बावजूद भी सर को कोई उपाय नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने मार के और उसको फांसी पर लटका के और वहाँ से फरार हो गए। हमें घर पर कोई ना हमें सूचना उन्होंने दी, किसी दूसरे ने गांव वालों ने सूचना दी, उसके मुताबिक हम वहाँ पहुँचे तो लड़की हमें अकेली पड़ी हुई मिली। सर कल दिनांक 26/11/2021 को हमें सूचना मिली कि जवाहरपुरा में एक लेडी ने फांसी लगा ली, जिस पर थाना अधिकारी ने मुझको गांव जवाहरपुरा भेजा। जहाँ पर मैं पहुँचा तो मृतका आरती पत्नी दाऊदयाल जिसने फांसी लगाकर अपनी हत्या कर लिया, उसको लेकर उसके परिवारिक जन बाबरपुर के उसके पास थे, उनको लेकर सामान चैसा लगाया खड़ाया, जहाँ पर लाश को पोस्टमार्टम हेतु रखवा गया। लेट होने के कारण कल उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका, आज पोस्टमार्टम कार्रवाई करने के बाद लाश को परिवार में सौंप दिया। सैपो में NSS स्वयं सेवकों का प्रथम प्रशिक्षण शिविर आयोजित।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शैपू में एनएसएस स्वयं सेवकों का प्रथम प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का प्रारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात विद्यालय प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा द्वारा स्वयं सेवकों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं सेवकों को सैनिटाइजर के उपयोग एवं मास्क लगाने के निर्देश जारी किए गए। शिविर के दौरान स्वयं सेवकों द्वारा विद्यालय परिसर की सफाई की गई एवं वृक्षों में पानी दिया गया। मध्य अवकाश के दौरान स्वयं सेवकों के लिए स्वल्पाहार वितरण एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी विजेंद्र सिंह द्वारा कराया गया। इसके बाद स्वयं सेवकों द्वारा ग्राम सालेपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा समस्त ग्रामवासियों को कोविड 19 गाइडलाइन की पालना करने एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने के सुझाव दिए गए। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकेट पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। असामाजिक तत्वों ने विद्यालय में की तोड़फोड़। सरमथुरा कस्बा में गोविंद देव जी मंदिर के पास स्थित माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर कला में शुक्रवार की रात असामाजिक तत्वों ने मुख्य गेट की लोहे की खिड़की और दो कमरों की कुंडियों और तालों को तोड़ दिया, लेकिन डबल लॉक होने के कारण दरवाजा नहीं खुला, जिससे चोरी की घटना घटने से बच गई। विद्यालय में विगत दिनों में असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। विद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस को घटना की सूचना देकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। मैं कल शाम को घर पे था तो अकस्मात इनकी सूचना पहुंची, श्रीमान बागेश्वर जी ये हमारे जो विद्यालय का मुख्य गेट है उसकी खिड़की को तोड़ दिया गया। मैं विद्यालय जैसे ही आया तो पता चला खिड़की को बागेश्वर जी ने और मेरे दोनों को उठा करके और गोविंद जी के मंदिर में रखवा दिया। और सुबह आज देखा तो मेरे आने से पहले ये बागेश्वर जी आ चुके थे। उन्होंने देखा कि इसका मेयर ऑफिस का जो ताला था टूटा हुआ पड़ा था और नीचे वाला ताला लगा हुआ था। गेट को खोला तो अंदर देखा तो उसमें कुछ कंकड़ बिखरे हुए थे और अच्छा कच्छा निरीक्षण किया तो उसमें देखा कि कई कमरों की कुंडियाँ भी टूटी पड़ी थी और कई कमरों की कुंडियों को तोड़ने की कोशिश भी की गई। जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का ट्रायल 29 को। पावर लिफ्टिंग संघ धौलपुर के कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि जिला पावर लिफ्टिंग संघ धौलपुर के द्वारा 29 को सुबह 9 बजे स्काई फिटनेस पॉइंट निहालगंज चौकी के पास धौलपुर पर क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का ट्रायल कराया जाएगा। पावर लिफ्टिंग संघ धौलपुर की ओर से 29 तारीख को स्काई फिटनेस पॉइंट जिम में क्लासिक महिला एवं पुरुष पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ट्रायल की जाएगी और इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको अपनी आधार कार्ड, 10वीं की अंक तालिका और 100 रुपये जमा राशि लानी पड़ेगी। जो भी इसमें सिलेक्शन होता है, प्रथम और द्वितीय स्थान पर आता है उसको उदयपुर में होने वाली 4 और 5 तारीख को क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। जीकेप द्वारा स्कूल में बच्चों को किए गए ट्रैक सूट वितरित। राजकीय माध्यमिक विद्यालय खड़गपुर में गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद ब्लॉक शैंपू के बैनर तले खड़गपुर गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय वीर गुर्जर संगठन के जिला अध्यक्ष रोहित गुर्जर मानपुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान कैलाश चंद शर्मा एवं
सुदर्शन गुर्जर द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन फौजी गुर्जर खड़गपुर ने किया। कार्यक्रम को अतेंद्र अध्यापक रविंदर सिंह, गब्बर सिंह, रामभजन सिंह, विश्वेंद्र सिंह, फौजी सिंह, अग्रसेन, पुष्पेंद्र सिंह, सौरभ आदि कर्मचारियों की आयोजन समिति द्वारा संपादित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को अतिथियों द्वारा ट्रैक सूट, पेन, कॉपी और पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज गोसवाल ने कहा कि शिक्षा पाना प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वर्तमान समय में भी देश में हजारों की संख्या में बच्चे अपने माता पिता की निर्धनता एवं दयनीय स्थिति के कारण स्कूल जाने में असमर्थ हैं। कई जगहों पर इसका मुख्य कारण समाज में साक्षरता के प्रति सही जागरूकता का अभाव भी है। परिषद द्वारा बच्चों को संबलन प्रदान करने तथा शैक्षिक प्रेरणा के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर संस्था प्रधान कैलाश चंद शर्मा, अध्यापक नरेंद्र कुमार, रूप सिंह, राजकुमार, सुबेदार सिंह, ब्रजेश कुमार, स्नेह कुमार, सतीश कुमार, शिव कुमार, विशंबर दयाल, शेर सिंह, शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार मीणा सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर विद्यालय में छात्रों का किया स्वागत। वसेड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुरा में खिलाड़ियों ने 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। जीत के बाद खिलाड़ियों के विद्यालय पहुंचने पर उनके सम्मान में एक स्वागत कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानाचार्य एवं PEO ब्रज किशोर शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SMC के अध्यक्ष नाथुराम रहे। विद्यालय के संस्था प्रधान हंसराम गुर्जर ने बताया कि विद्यालय की छात्रा कविता कुमारी ने 100 मीटर दौड़ में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही लंबी कूद में भी जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल हासिल किया है। विद्यालय के छात्र लवकुश ने ऊंची कूद में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल कर दोनों खिलाड़ियों ने जिले भर में अपना परचम लहराया है। प्रधानाध्यापक हंसराम गुर्जर ने बताया कि इस उपलब्धि पर शारीरिक शिक्षक अचल सिंह एवं अध्यापिका सुधा शर्मा को उनके द्वारा करवाई गई बच्चों की कठोर मेहनत व परिश्रम के परिणाम स्वरूप मिली जीत पर बधाई दी। दोनों विद्यार्थियों का विद्यालय परिसर एवं ग्रामीणों ने गर्म जोशी से माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। विद्यालय परिवार की ओर से दोनों बच्चों को खेलकूद उपयोग सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर अध्यापक पुष्पेंद्र सिंह, अध्यापिका पूजा शर्मा, खुशबू शर्मा, SMC सदस्य रामलखन, गोकुल, लक्ष्मण सिंह, जंडेल सिंह आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉइड TV भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें अनुराग मोबाइल सेंटर बस स्टैंड के पास संतर रोड धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजा खेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। शिक्षक संघ एकीकृत की बैठक में हुई शैक्षिक अधिवेशन को लेकर चर्चा। राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को महाराणा स्कूल धौलपुर में आयोजित की गई, जिसमें 29 नवंबर को होने वाले शिक्षक अधिवेशन को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही समिति गठन कर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। जिला संस्थापक चंद्रवान चौधरी ने बताया कि शिक्षक संघ एकीकृत का सम्मेलन 29 नवंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन दोपहर 12 बजे होगा। जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा व भगवान सिंह मीणा ने संयुक्त बयान में बताया कि अधिवेशन की समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग के होने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ग्राम पंचायत टाणा में लगा प्रशासन गांव के संग शिविर। ग्राम पंचायत टाणा मनिया में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर प्रभारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार मनिया विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी, ग्राम विकास अधिकारी श्रीवान सिंह गुर्जर एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
शिविर में 214 पट्टे हुए 10 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए एवं 10 बंटवारे 208 शुद्धिकरण तथा 17 सीमा के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। आयोजन किया गया जिसमें राज्य सरकार के 22 विभाग सम्मिलित हुए। विभिन्न विभागों ने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी तथा लोगों को लाभ। ग्राम पंचायत द्वारा 214 पट्टे जारी किए गए तथा 10 प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग द्वारा 20 बंटवारे किए गए और कुछ नामांतरण भी खोले गए। विभिन्न कार्य किए गए, अन्य विभागों द्वारा भी कार्य किए गए। ग्राम पंचायत टाणा में प्रशासन कैंप गांव के संग पट्टे 214 जारी हुए। जॉब कार्ड न्यू 10 जारी हुए। राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दिवसीय शिविर आयोजित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दिवसीय शिविर का आयोजन प्रधानाचार्य हरिओम सिंह शिकरवार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम संयोजक शरण बिहारी पारासर ने टीम कार्य भावना के लिए सभी स्वयंसेवकों को 5 ग्रुपों में बांटकर अलग अलग जगह विद्यालय परिसर में सफाई कार्य करवाए गए, जिसमें विद्यालय उद्यान में सफाई गुड़ाई कर नवीन फलों की पौध लगाई गई। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य हरिओम सिंह शिकरवार द्वारा सभी स्वयंसेवकों को सेवा कार्यों के लिए होने वाले सामाजिक विकास को बारीकी से समझाया गया और इस तरह की सेवा कार्यों को करते रहने की सलाह दी। इसके बाद सभी स्वयंसेवकों को स्वल्पाहार दिया गया। कार्यक्रम में ओमवीर शर्मा, मुकेश शर्मा, अमर सिंह मीणा, मोहम्मद साकिब सहित अन्य भी मौजूद रहे। भारतीय खाद्य निगम ने आइकॉनिक सप्ताह के तहत किया कार्यक्रम। भारतीय खाद्य निगम धौलपुर द्वारा भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आज़ादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आइकॉनिक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम धौलपुर द्वारा शनिवार को रेलवे स्टेशन धौलपुर के नज़दीक स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन सेवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान, विशिष्ट अतिथि के रूप में आर सिंह मीणा रेलवे अधिकारी एवं भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर से आए छोटेलाल मीणा रहे। आमंत्रित अतिथियों ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत धौलपुर के कवि पदम गौतम ने साहित्यिक अंदाज में करते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव से परिचय कराया। इसके पश्चात भारतीय खाद्य निगम के मंडल प्रबंधक महेंद्र सिंह द्वारा अतिथियों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मंडल प्रबंधक महेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में भारतीय खाद्य निगम धौलपुर द्वारा राजस्थान क्षेत्र एवं मंडल कार्यालय अलवर के अधीन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद, कोरोना महामारी के दौरान निगम द्वारा लगभग दोगुने खाद्यान्न एवं अन्य योजनाओं में वितरण आदि के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन निगम कर्मचारी हितेश कुमार जयमन ने किया। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर शोरूम, मिक्की बाबू की कोठी के सामने पुलिस चौकी के बगल से कोठी धौलपुर। गणित की बुनियादी दक्षताओं के विकास के लिए कार्यशाला आयोजित। डाइट के CMED संभाग के अंतर्गत डाइट प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल के निर्देशन में भाषा एवं गणित की बुनियादी दक्षताओं FLN के विकास के लिए ABL कक्ष की स्थापना के लिए सामग्री निर्माण कार्यशाला का आयोजन 26 और 27 नवम्बर को प्रभारी नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में किया गया। संदर्भ व्यक्ति शिवराज सिंह परमार एवं दाऊदयाल शर्मा ने विभिन्न प्रकार की ABL सामग्री का निर्माण करवाया। इसमें 20 संभागियों ने भाग लिया। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने ABL निर्माण सामग्री के मॉडल को जांचा और संबंधित मॉडल के निर्माण सामग्री के बारे में जानकारी ली। डाइट के अनिल शर्मा, रणबीर चोकड़, नवल सिंह राठौर एवं पुष्पेंद्र सहाय ने कार्यशाला में सहयोग किया। कार्यशाला में मनीष कुमार मौर्य, कमलेश मित्तल, मेघा मित्तल, ममता चौधरी, नितेश शर्मा, बदाम सिंह, सीमा सिंगल, फिरोज खान, रेनू यादव आदि मौजूद रहे। शिकरवार बने वेलफेयर फाउंडेशन के धौलपुर जिला प्रभारी।
सिकरवार वेलफेयर फाउंडेशन संस्थापिका अंजू सिंह सिकरवार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार कुलदीप सिंह राठौर व राष्ट्रीय संरक्षक इंद्रजीत की सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष दुष्यंत की अनुशंसा से अशोक सिकरवार को धौलपुर का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है।